जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, पंजाब सरकार ने पंजाब सिविल सेवाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है? ए 30%, बी 31%, सी 32% या डी 33%। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भागलपुर पहुंचे बीजेपी चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस एक दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे। आगामी 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में जनसभा होना है। इस बाबत कार्यकर्ताओं से मिलने और जरूरी निर्देश देने के लिए देवेंद्र फडणवीस की विशेष मीटिंग थी। देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि जिस दिन पीएम मोदी की जनसभा होगी उस दिन राज्य में कुल 300 जगहों पर एलईडी स्क्रीन लगाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही प्रत्येक विधानसभा में 5 एलईडी स्क्रीन लगाना अनिवार्य है। प्रभारी आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का आप लोगों की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। इस बैठक में उपस्थित हमारे माननीय राष्ट्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री जी के पहले दिन 23 तारीख का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन है और 3 तारीख का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सभा होने वाली है, और इस बार चूंकि कई रिस्ट्रिक्शन सभा की संख्या पर है, जैसे तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी को सुनने यहाँ बहुत लोग आते हैं, लेकिन इस बार सभा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन रहने वाले हैं। उन रिस्ट्रिक्शन के चलते हम लोगों ने ये यहाँ पर तो सभा होगी, उसके साथ साथ 300 जगह स्क्रीन लगेंगे 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 और मैदानों पर हम लोग स्क्रीन लगाएंगे और वहाँ पर भी हम लोग उसका डायरेक्ट रिले करेंगे और वहाँ पर भी 2-2, 3-3, 5-5 हज़ार लोग जमा होंगे। इस प्रकार की एक सारी व्यवस्था बनाई है ताकि कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको बिना तोड़े मरोड़े हम लोग प्रधानमंत्री जी को सब तक पहुंचा पाए, उसी की तैयारी देखने के लिए हम यहाँ आए। अपहर्ता व खरीदार समेत अगवा हॉर्लिक्स लदा ट्रक कुर्सेला डुमर के समीप पकड़ाया। भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग बाका भागलपुर बॉर्डर पर करीब आधे दर्जन बदमाशों ने ओवरटेक करते हुए हॉर्लिक्स लदा ट्रक पर कब्जा कर लिया। वहीं चालक का कहना है कि बाका भागलपुर बॉर्डर शराब फैक्ट्री के पास गाड़ी कब्जा कर हाथ मुंह बांध दिया, उसके बाद गोराडी थाने के पास मुझे फेंक दिया, फिर इसकी सूचना गोराडी थाने को दी गई। गोराडी थाना अध्यक्ष ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सबसे पहले ट्रक ऑनर को इसकी जानकारी दी। वहीं ट्रक ऑनर ने गाड़ी में जीपीएस होने की बात कही, उसी आधार पर पुलिस द्वारा NH 31 पर डूमर के समीप शनिवार को ट्रक लेकर भाग रहे बदमाशों को ट्रक समेत गिरफ्तार कर लिया। क्या बात है आपका गाड़ी का? गाड़ी किडनैप हो गई थी। कहाँ से? ये जगदीशपुर के आगे शराब फैक्ट्री के पास से। और अभी गाड़ी कहाँ है? अभी गाड़ी तो रेड हुई कुर्सेला के आगे से, ये डूमर के पास से। तो गाड़ी मिल गई? गाड़ी मिल गई, माल भी मिल गया। तो आप लोग को पता कैसे चला? हम लोग को पता चला, ड्राइवर को गोड़ हाथ बांध के फेंक दिया था, वो किसी तरह से गोराडी थाना पहुंचा। थाना जाकर के वो अपना बयान दिया, तो थाना से ही कॉल आया कि आपकी गाड़ी ऐसा ऐसा है, बात कर लीजिए ड्राइवर से। आपका नाम? प्रभात कुमार। कौन से थाना से हैं आप? नगर नौसा थाना। और ड्राइवर का नाम? अखिलेश कुमार। तो वो किस कहाँ से है? वो कहाँ से है? वो पटना डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, गाड़ी का नंबर? DL1LC 9719। अब पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन ऑल इंडिया NAC ए ग्रेड MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक BTEC BCA MCA BBA MBA होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA BSc BCOM MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप नया टोला नौबतिया 9534338689 7856914231 6206224713। नामांकन रद्द हो जाने पर अभ्यर्थी ने निर्वाची पदाधिकारी से किया अभद्र व्यवहार, दी धमकी। निर्वाची पदाधिकारी ने नौगछिया थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी। गोपालपुर विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी नौगछिया ने वैशाली जिला के वार्ड संख्या 14 हाजीपुर ग्राम बलुआ कुवारी निवासी अमृतेश कुमार सिंह के विरुद्ध अभद्र व्यवहार करने एवं धमकी देने के मामले में नौगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में कहा है कि आम निर्वाचन 2020 के अवसर पर
नामांकन प्रक्रिया के पश्चात 17 अक्टूबर को समीक्षा की तिथि निर्धारित थी। समीक्षा के क्रम में अमृतेश कुमार सिंह का नामांकन निरस्त हो जाने के उपरांत उसने अपना आपा खो दिया और सामान्य प्रेक्षक महोदय की उपस्थिति में निर्वाची पदाधिकारी 153 गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी नौगछिया को बर्बाद कर देने की धमकी के साथ पद से स्थानांतरण करा देने, करियर बर्बाद करने और देख लेने की धमकी दी है। अमृतेश ने ऊंची आवाज में यह भी कहा कि तुम्हारे पास बहुत आईएएस एपीएस है, आप तो एसडीएम है और आपका पावर क्या है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जाते जाते अमृतेश ने धमकी देते हुए कहा कि आपकी सेवानिवृत्ति बर्बाद कर देंगे। मौके पर मौजूद सामान्य प्रेक्षक से अमृतेश ने पूछताछ किया कि आप किस बैच के आईएएस हैं, तो अमृतेश ने कहा कि मेरे रिश्तेदार 98 बैच के आईएएस हैं, अब वह आपसे बात करेंगे। आवेदन के साथ साक्ष्य स्वरूप थाने में घटने का वीडियो फुटेज भी समर्पित किया गया है। मामले की प्राथमिकी नौगछिया थाने में दर्ज कर नौगछिया पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया है। नवगछिया के गोपालपुर में निकाला गया फ्लैग मार्च। आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर गोपालपुर थानाध्यक्ष कुणाल आनंद चक्रवर्ती के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें रविवार सुबह से तिनटेंगा दियारा, डुमरिया, मुस्लिम टोला गोपालपुर, लतरा, गोसाईगांव, सिंधिया मकनपुर चौक पर फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें गोपालपुर के कई पुलिस पदाधिकारी, जवान व अर्धसैनिक बल मौजूद थे। नवगछिया शहर के नया टोला टीचर्स कॉलोनी के 50 घर में घुसा सीपेज का पानी, डेंगी नाव से आ जा रहे लोग। नवगछिया शहर के नवगछिया नया टोला टीचर्स कॉलोनी के 50 घर सीपेज वाटर से डूब गए हैं। कॉलोनी के हालात ऐसे हैं कि कॉलोनी के आवागमन के सारे मार्ग पर 5 फीट से ज़्यादा जल जमाव है। ऐसे में लोग आवाजाही और अपनी दैनिक ज़रूरतों की सामानों को लाने के लिए डेंगी नाव या फिर घिर नाव का प्रयोग कर रहे हैं। लोगों के घरों में भी पानी है। लोग बिछावन के लिए लगाए गए चौकी या फिर पलंग पर ही बैठकर दिन काट रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कॉलोनी में पिछले 5 दिनों से ऐसे हालात है। मालूम हो कि टीचर्स कॉलोनी नौगछिया का सबसे निचला इलाका है। फिलहाल यहां पर जल निकास करने के लिए किसी प्रकार का इंतजाम नहीं किया गया है। संस्कृत महाविद्यालय और SBI का ग्राहक सेवा केंद्र भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। अरविंद कुमार CSP संचालक, कामेश्वर शाह, अनिल कुमार अनल सहित कई अन्य ने स्थानीय प्रशासन से जल निकासी करने की मांग की है। ढोलबज्जा की निधि ने नीट परीक्षा में मारी बाजी, लाया ऑल इंडिया में 12,762 रैंक। ढोलबज्जा बाजार की बेटी निधि कुमारी को नीट परीक्षा 2020 में शानदार सफलता मिली है। निधि को 720 में 594 अंक मिलने से ऑल इंडिया में 12,762 रैंक मिला है। निधि अभी राजस्थान के कोटा में रहकर पढ़ाई कर रही है। उसके पिता प्रवीण कुमार ढोलबज्जा बाजार में मेडिकल की दुकान चलाते हैं। निधि ने 9वीं तक की पढ़ाई शिक्षक सुनील राम के पास की है। मास्क नहीं पहनने वालों से 3500 और यातायात का पालन न करने वाले से 7000 रुपए की वसूली। नौगछिया SP के निर्देश पर नौगछिया पुलिस जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में चलाए गए मास्क जागरूकता अभियान व वाहन चेकिंग अभियान के क्रम में पुलिस ने मास्क न पहनने वाले 70 लोगों से 3500 रुपए जुर्माना वसूल किया है। वहीं यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले से कुल 7 मोटरसाइकिल चालक से 7000 रुपए जुर्माना वसूल किया है। नौगछिया SP ने किया नारायणपुर के दियारा इलाकों के बूथों का निरीक्षण। नौगछिया के SP स्वप्नाजी मिश्राम ने रविवार को नारायणपुर प्रखंड के दियारा क्षेत्रों विशनपुर, मिर्जापुर और कासमाबाद गांव के विभिन्न बूथों का जायजा लिया। कृपया ध्यान दें कि अब खबर 1 मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज, त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा, कुर्सी, टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध हैं। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079 7549683888 उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773
9043-67-170। नवगछिया, ट्रेन के चपेट में आ गई महिला और गंभीर रूप से हो गई घायल। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में इलाज के क्रम में गई जान। नवगछिया के रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी ट्रेन से कटकर महिला की जान चली जाने की सूचना है। महिला थाना क्षेत्र के खरीक बाजार निवासी मोहम्मद अजरुद्दीन की पत्नी मुन्नी खातून है। नवगछिया रेल पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी मिली है कि एक नंबर ट्रैक पर एक मालगाड़ी ट्रेन खड़ी थी और महिला मुन्नी खातून को प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाना था। महिला ट्रेन के नीचे से ट्रैक पार करने लगी। इसी क्रम में मालगाड़ी खुल गई और मालगाड़ी खुलते ही महिला ट्रेन के पहिए के नीचे आ गई और उसका दोनों पैर कट गया। वहीं इलाज के दौरान भागलपुर के मायागंज अस्पताल में महिला की जान चली गई। महिला की मौत के बाद उसके परिजन गहरे सदमे में हैं। नवगछिया, शराब के नशे में एक धराया। परबत्ता पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना पर शराब पीकर उपद्रव कर रहे जबतेली नुवाई गोविंद राय को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी मिली है कि गोविंद शराब पीकर गांव में उपद्रव कर रहा था। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से ही गोविंद को गिरफ्तार कर लिया है। गोविंद का मेडिकल टेस्ट करवाया गया। मामले की बाबत परबत्ता थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। दूसरी तरफ गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। नवगछिया, पीपा पुल के पास देखा गया लावारिस शव। नवगछिया के पीपा पुल के पास रविवार को एक 14-15 वर्ष के बच्चे के अज्ञात शव को देखा गया है। ग्रामीणों ने बताया कि शव सोक्षा गांव के पास कोसी नदी में पीपा पुल के बीच में है। बच्चे ने सफेद रंग की गंजी, पीले रंग का टी शर्ट पहना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि शव देखने से प्रतीत होता है कि शव करीब 8 से 10 दिन पुराना होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि बच्चे की मौत डूबकर हो गई होगी और बहते हुए पीपा पुल के पास आ गया होगा। मामला पुलिस पदाधिकारी के संज्ञान में है। बिजली के झटके से मारे गए सेंटिंग मिस्त्री का सहकर्मी करेगा परिजनों को आर्थिक सहायता। नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के रंगरा गांव स्थित चैती दुर्गा मंदिर में छत ढलाई के लिए सेंटिंग करे मिस्त्री। इस्माइलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नारायणपुर चंडी स्थान निवासी फूलो मंडल की करंट लगने से हुई मौत मामले में मृतक के सहकर्मी अमित दास ने परिजन को 1.5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मृतक फूलो अपने परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य था। अपने 4 बच्चों और पत्नी के साथ बूढ़े माता पिता का भी जिम्मेदारी फूलो मंडल पर ही था। फूलो के मौत की खबर सुनते ही पूरा गांव सन्न रह गया। दाह संस्कार के बाद गांव में एक पंचायती बुलाई गई जिसमें जनप्रतिनिधियों के अलावा गणमान्य लोग उपस्थित थे। नवगछिया, पंपिंग सेट का इंजन चोरी कर रहे युवक को ग्रामीण ने दबोचा किया पुलिस के हवाले। रंगरा चौक प्रखंड के बनिया दियारा से पंपिंग सेट का इंजन चुराकर भाग रहे चोर को ग्रामीण ने रंगे हाथ दबोचकर रंगरा पुलिस के हवाले कर दिया। चोरी के आरोप में रंगे हाथ दबोचे गए युवक की पहचान मदरोनी गांव के प्रमोद यादव के पुत्र बिक्की कुमार यादव के रूप में की गई। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड के लिए एक बार जरूर पधारें सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़ स्टेशन के सामने, नवगछिया। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773, 93043-67-170। बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाए होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787, 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज, त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा, कुर्सी, टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध हैं। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079, 7549683888। उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा।